देश में मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर के उस एक वीडियो की बात हो रही है जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये वीडियो इतना भयानक है जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आप में से ज्यादातर लोगों ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस वायरल वीडियो में भीड़ दिखती है जिसके हाथों में हथियार दिखते हैं, और भीड़ दो महिलाओं को लेकर जाती दिखती है। इन दोनों महिलाओं के कपड़े उतार दिए गए थे, पूरी तरह से नग्न अवस्था में इनकी एक तरह से परेड कराई जा रही थी। इन महिलाओं के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके अंदर गुस्सा होगा, उसके अंदर पीड़ा होगी, अपने ही देश के अंदर ये क्या चल रहा है ये सवाल होगा। और हम वो वीडियो तो नहीं दिखा रहे, लेकिन उन दरिंदों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया। दो या कहिए तीन महिलाएं, दो तो वीडियो में दिख रही, उन्हें लेकर गए, नग्न अवस्था में लेकर गए, और उसके बाद उनका गैंगरेप हुआ। इसलिए इन दरिंदों का चेहरा आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं बॉस, क्या मणिपुर में ऐसे हैवानों को किसी का डर नहीं है? पुलिस क्या कर रही है? सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुका है? क्योंकि सच यह है कि मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ वो दो महीने पहले का वीडियो है, वो 4 मई का वीडियो है, और यह घटना मणिपुर के थोबल इलाके की है। 3 मई को जो अदालत का फैसला आया था कि मैतेई समाज को भी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाए, उस पर फैसला लिया जाए, उसको लेकर जो गुस्सा था, उसकी जो हिंसा भड़की थी, वो 3 मई को भड़कनी शुरू हुई थी बड़े तौर पर, और यह घटना 4 मई की, यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। लेकिन यह वीडियो बाहर आया 77 दिन बाद, 19 जुलाई को। इस घटना की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा तो आप कांप जाएंगे कि देश के एक हिस्से में इस तरह की हैवानियत हो रही है। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्या सफाई दी। बीरेन सिंह कह रहे हैं कि कल जो वीडियो सामने आया वो बहुत विचलित कर देने वाला है, उन दो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदना है जिनके साथ ये अमानवीय और अपमानजनक काम किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया गया, मणिपुर की पुलिस ने एक्शन लिया और आज सुबह पहली गिरफ्तारी की। पूरी जांच हो रही है, जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, उन्हें मौत की सजा भी देने पर विचार किया जा रहा है। सबको ये जान लेना चाहिए कि हमारे समाज में इस तरह के विभत्स अपराध की कोई जगह नहीं। एक बार उन्होंने जो बयान दिया वो भी सुनिए, फिर बताते हैं कि उनके मुंह पर और उनके दिल में जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा, ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है, और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि इफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। मुख्यमंत्री साहब को सुनिए तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, कितना दिल से दुखी हैं और कितना जबरदस्त एक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सफाई मणिपुर के मुख्यमंत्री दे रहे हैं उससे खुद उन पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी बहुत विभत्स घटना के बारे में, जिनके राज्य में ऐसे हालात हैं, तब पता चलेगा बॉस जब घटना का वीडियो वायरल होगा? वीडियो वायरल नहीं होता तो मुख्यमंत्री को पता तक नहीं चलता। दूसरी बात, यह घटना 4 मई की है और वीडियो अब वायरल हुआ है, 2 महीने से अब तक सरकार क्या कर रही थी? और मैं आपको बताता हूं कि सरकार को पता था कि यह हुआ है। तीसरी बात, वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार का एक्शन लेना क्या सिर्फ दिखावा या खुद को बचाने की कोशिश नहीं है, यह अपनी छवि बचाने का प्रयास नहीं है? अगर आप इतने ईमानदार थे तो पहले करते बॉस। वीडियो वायरल हुआ तब इनको समझ में आया कि हमको कार्रवाई करनी चाहिए। चौथी बात, क्या वीडियो वायरल नहीं होता तो सीएम 2 महीने से जैसे चुपचाप बैठे थे वैसे चुप बैठे रहते? वीडियो आ गया, हाय तौबा मची, लोग सवाल उठाने लगे, हर किसी का सिर शर्म से झुक गया, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है,
तब जाके आपको समझ में आ रहा है कि इनको फांसी की सजा दिलवाने के प्रयास करेंगे। पांचवी बात, क्या सीएम को यह नहीं बताना चाहिए कि अगर उन्हें इस घटना के बारे में नहीं पता था तो उनसे इस घटना के बारे में किसने छुपाया? इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको पता ही नहीं चला बॉस। छठी बात, ऐसी भयानक घटनाएं छिप नहीं सकती, दब नहीं सकती। अगर सीएम को इसकी जानकारी थी तो फिर 2 महीने बाद क्यों जागे? सबसे जरूरी बात, जब मणिपुर में इस तरह की भयानक घटनाएं हो रही हैं, तो फिर एन बीरेन सिंह किस हक से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं बॉस? अगर आपसे हिंसा नहीं रुकती, अगर आपके राज्य में 2 महिलाएं 3 महिलाएं ले जाई जाती हैं सड़क पर नग्न करके घुमाया जाता है, परेड कराया जाता है, रेप हो जाता है, और 77 दिन बाद वीडियो वायरल होने के बाद आपको समझ में आता है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी क्या, कुछ ही देर के अंदर जो है 2-3 गिरफ्तारियां हो जाती हैं, कि पहले नहीं हो रहा था आपसे, और बैठे हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, नाटक करते हैं।